नोएडा सेक्टर 30 में पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और एशियन पेंट्स और स्टार्ट आर्ट इंडियन फाउंडेशन द्वारा बच्चों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य एक तो बच्चों में कला की भावना पैदा करना और जो बच्चे अच्छी आर्ट का हुनर रखते हैं उनका हौसला बढ़ाना था। ये बच्चे जो कि आप देख रहे हैं ये दरअसल अपने हुनर से आर्ट का कार्य कर रहे हैं और बच्चे अपने तरीके से स्वयं कटिंग पेस्टिंग और क्रैपिंग का काम कर रहे हैं। इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची अभिनेता रणवीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर साहनी ने यहाँ आए बच्चों के पहले तो उनकी कला की सराहना की और बच्चों को उनकी अच्छी कला के लिए शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं रिधिमा कपूर साहनी ने यहाँ पहुँचने पर बच्चों के साथ उनका अनुभव कैसा रहा तो इस बारे में उन्होंने क्या कहा। माई एक्सपीरियंस वॉज आई टोल्ड यू ऑन स्टेज ऑल्सो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा है इधर आकर बच्चों को देख कर इतना मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे एक बात की आई एम वेरी अफर्मेटिव अबाउट वन थिंग एंड आई बिलीव दैट आर्ट हील्स एंड आर्ट हैज़ हीलिंग पावर्स एंड आई जस्ट फील एवरीबडी शुड ओन द आर्टिस्ट विद इन देमसेल्व्स एंड जस्ट गो एंड क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल एंड आई फेल्ट रियली रियली लाइक अ डे वेल स्पेंट ओवर योर डे। मेरे घर में भी एक बच्ची मेरी भी बच्ची है घर पे एंड आई लव चिल्ड्रेन और ऐसे कोई मोटिवेशन आई लव चिल्ड्रेन तो मुझे अगर कभी भी मौका मिलेगा बच्चों के साथ काम करने में या बच्चों के लिए काम करने के लिए मैं करूंगी यू नो बेशक किधर भी और मुझे आज तो बहुत बहुत खुशी हुई है इधर आके और इतने सारे प्यारे बच्चों से मिलकर और सो आई जस्ट होप बहुत प्यारे बच्चे हैं एंड आई होप दे आर जिस तरह ये बच्चे कलाकृति में हुनर रखते हैं और एशियन पेंट स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन और पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड केयर नोएडा द्वारा बच्चों के लिए जो वर्कशॉप का आयोजन किया ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है और बच्चों में नई कला पैदा हो इसके लिए उनका हौसला बढ़ाया। टोटल खबरें राजेश खन्ना की रिपोर्ट।